हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर कोमल बहल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाली हूँ वीट एलर्जी के बारे में और मॉडर्न में इसको कैसे लेते हैं एंड आयुर्वेद में इसकी चिकित्सा कैसे की जाती है और वीट एलर्जी का आज इंडिया में कितने लोग सफ़र कर रहे हैं, क्या कारण होता है मॉडर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या कारण होता है एलोपैथी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसमें क्या परहेज रखना चाहिए एंड होम रेमेडीज़ क्या आप ले सकते हैं, एंड इसके साथ मैं आपको इसका प्रॉपर आयुर्वेदिक चिकित्सा, आयुर्वेदिक इलाज बताऊंगी, ठीक है। एंड टेस्ट भी बताऊंगी जो आपको रेगुलर बेसिस पर करवाने चाहिए। देखिए, वीट एलर्जी जो है, आज भारत में 6 to 8 million ऑफ पीपल दे आर सफरिंग फ्रॉम वीट एलर्जी। वीट एलर्जी क्या होता है? मॉडर्न मेडिकल साइंस में इसको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर माना गया है कि वीट जो होती है, इम्यून सिस्टम बाय मिस्टेक उसको एक बैक्टीरिया समझ लेता है और बैक्टीरिया समझ के एक हाइपरटेंसिव एलर्जिक रिएक्शन बॉडी में उत्पन्न करता है। मतलब कि अगर हम वीट खाते हैं और हमें वीट एलर्जी है तो ऐसे में क्या होगा, हमारी जो बॉडी है उस वीट के अगेंस्ट एक हाइपर रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट करेगी। मतलब कि एक एलर्जिक रिएक्शन उत्पन्न होगा हमारी बॉडी में जब हम वीट को कंज्यूम करेंगे, जिसके दौरान हमें कई तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं, ठीक है। अब जिन लोगों में पेट के रिलेटेड सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि डायरिया होना या फिर कभी कभी कॉन्स्टिपेशन होना और पुअर एपेटाइट, ठीक है, खाने में रुचि बिल्कुल भी ना होना, खाना हजम ही ना होना, इस तरीके के सिम्टम आते हैं, फिर तो डॉक्टर जो है वो डायरेक्टली आपका एंटी TTG टेस्ट जो है करवाते हैं, जिससे पता चल जाता है कि वीट एलर्जी से आप गुजर रहे हैं। लेकिन कई बार सिम्टम्स ऐसे आते हैं जैसे कि नर्वस सिम्टम्स, सिस्टम के रिलेटेड सिम्टम्स आते हैं, हेडेक होना और घबराहट होना या फिर मूड चेंजेस होना, एंड स्किन प्रॉब्लम्स के रिलेटेड सिम्टम्स आते हैं जैसे कि स्किन पे रैशेस होना, बहुत ज़्यादा इचिंग होना, रेडिशनेस होना, इन्फ्लामेशन होना। तो ऐसे में डॉक्टर जो है आपका स्किन टेस्ट करवाता है या फिर नर्वस सिस्टम के रिलेटेड CT MRI स्कैन करवाते हैं एंड इवन अल्ट्रासाउंड भी करवाते हैं, और जब उसमें कुछ भी नहीं निकलता है देन डॉक्टर अल्टीमेटली थिंक कि आपको शायद स्ट्रेस या डिप्रेशन की वजह से ये सिम्टम्स आ रहे हैं एंड अल्टीमेटली आपका साइकेट्रिक ट्रीटमेंट जो है स्टार्ट हो जाता है। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने अपने तजुर्बे से बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे देखे हैं जो इस तकलीफ़ से गुजर रहे हैं एंड उनका सेकेंडरी ट्रीटमेंट भी चल रहा है। इससे उनको क्या होता है कि एक टेम्प्रेरी टाइम के लिए उनको रिलीफ मिलता है, लेकिन फिर से जैसे ही वो ट्रीटमेंट हम टेपर ऑफ करने लगते हैं, कम करने लगता है डॉक्टर वो ट्रीटमेंट, तो पेशेंट को फिर से वो सिम्टम्स जो है आने लगते हैं। तो दोस्तों, ऐसा इसमें क्या होता है जिससे ये सिम्टम्स आते हैं और इसका क्या इलाज है? देखिए, जब ये सिम्टम्स आते हैं तो यूजुअली ये जो वीट एलर्जी की प्रॉब्लम होती है ये बच्चों में पाई जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि पहले जो है पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं किया जाता था इतना गेहूं को उगाने में या और भी ग्रेन्स को ग्रो करने में, लेकिन आजकल पेस्टिसाइड्स भी जो हैं वो प्रॉपर, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ हो रहे हैं, तो वो भी एक कारण माना गया है जिससे आज के जनरेशन में जो वीट एलर्जी की प्रॉब्लम है वो बहुत तेज़ी से स्पेशली बच्चों में बढ़ती जा रही है। आप अक्सर देखेंगे कि 16 साल की उम्र से कम बच्चे जो होते हैं उनको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे में क्या किया जाए? देखिए, खाने पीने में तो इट्स अंडरस्टूड कि आपको वीट से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो नहीं खाने हैं। बेकरी प्रोडक्ट्स होगी, पेस्ट्रीज होगी, ये सब नहीं खाने हैं। लेकिन इसमें हम दवाई में क्या दे सकते हैं? देखिए, आयुर्वेद में इसको जठराग्नि से रिलेट किया गया है कि हम लोग जो है आहार विहार, मतलब कि हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं होता। आजकल हम बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, बाहर के फूड आइटम्स पर ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, तो इसीलिए हमारी जो अग्नि होती है, डाइजेस्टिव फायर, वो विषम हो जाती है। मतलब या तो बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाती है या बहुत ज़्यादा मंद हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में अग्नि मंद हो जाती है, मतलब लो डाइजेस्टिव फायर होती है, जिससे हमें खाया पिया जो है उसका प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाता है। एंड इसके अलावा डायरिया होता है, ठीक है, अतिसार, जिसमें अग्नि मंद रहती है, एंड कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, मतलब कब्ज भी हो सकती है, और भूख का बहुत ज़्यादा कम लगना। तो आयुर्वेद में फोकस किया गया है जो विषम अग्नि है उसको सम करना, मतलब कि उसको बैलेंस में लेकर आना, ठीक है। वैसे भी आयुर्वेद में हमारे आचार्यों ने ये कहा है कि जो अग्नि होती है वो
अग्नि जब विषम होती है, स्पेशली मंद अग्नि होती है, जब लोअर साइड होती है डाइजेस्टिव फायर, तो वो सभी रोगों का कारण होता है। ठीक है, तो अग्नि जो है उसके दीपन पाचन चिकित्सा सबसे पहले हमें मरीज की करनी चाहिए। सबसे पहले तो उसको ग्लूटेन फ्री डाइट देनी है, ठीक है, और फिर दीपन पाचन चिकित्सा जो है अग्नि की करनी है। हम पेशेंट को चित्रक आदि बटी दे सकते हैं, हींग आदि बटी दे सकते हैं, त्रिकटु चूर्ण भी दे सकते हैं। तो इस तरह से उसकी जो अग्नि है उसको दीप्त करके, ठीक है, डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाकर, ताकि वो जो भी खाए उसको हजम होने लग जाए, ठीक है, उसको इस लायक बनाते हैं। सेकंड थिंग इज़ कि अगर पेशेंट को डायरिया है, यूजुअली आपके पास जो पेशेंट आते हैं उनके सिम्टम्स में डायरिया होता है, तो डायरिया है, बार बार लूज मोशंस जाना पड़ रहा है, वाटरी स्टूल्स हैं, तो ऐसे में आपको कुटच घन बटी देना है अपने पेशेंट को, और साथ में वेरी इंपॉर्टेंट बेल्व का प्रयोग करना है। जो बेल है उसका जूस भी दे सकते हैं, आजकल मार्केट में बेल कैंडी भी अवेलेबल है, वो भी दे सकते हैं, या बेल पाउडर भी दे सकते हैं। देखिए, बच्चों में बेल कैंडी जो है उनको खाना आसान लगता है। मैं तो ये भी कहूँगी कि मैंने अपने जो एडल्ट पेशेंट्स होते हैं, पेट की प्रॉब्लम के साथ आते हैं या वीट एलर्जी की प्रॉब्लम के साथ आते हैं, मैंने उनको भी बेल कैंडी दी है, जिससे बहुत ही फास्ट रिजल्ट मिलते हैं। तो बेल को अपने ट्रीटमेंट में कभी मत भूलिए, फिर चाहे आप उसका जूस दें, बेल कैंडी दें या फिर बेल पाउडर दें। इसके अलावा जो हमारी डाइजेस्टिव फायर को जैसे हमने बढ़ा दिया, लेकिन डाइजेस्टिव एंजाइम्स ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रीट हों, ताकि हमारा जो डाइजेशन तो अच्छा हो ही, लेकिन जो हम खाना खा रहे हैं उसका एब्जॉर्प्शन भी अच्छा हो। जो भी हम मील ले रहे हैं, ठीक है, होममेड मील ले रहे हैं एक्सेप्ट वीट, उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी सप्लीमेंट्स हैं, वो अच्छे से हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होकर, हमारे इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड में अच्छे से चले जाएं, ताकि हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो लो ना हो। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि देखिए, अक्सर जो वीट एलर्जी के पेशेंट्स होते हैं, उनकी अग्नि भी चाहे अच्छी हो, सब कुछ अच्छे से खा रहे हैं वीट को छोड़कर, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि उनका हीमोग्लोबिन 6 या 7 ग्राम रहता है, या ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 8 ग्राम रहता है, और वो बहुत ज़्यादा वीक फील करते हैं। एंड इसीलिए जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बढ़ाने के लिए, ताकि हमारा एसिमिलेशन अच्छा हो, हमारे खाने से जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे ब्लड तक अच्छे से पहुंच सके, हमारी इंटेस्टाइन वॉल से, तो इसीलिए ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बढ़ाने के लिए सौंफ और जीरे का जो है काढ़ा बनाकर पीना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा लेकर 2 ग्लास पानी लेकर उसको अच्छे से उबालेंगे, जब तक भी वो 1/4 ना रह जाए, ठीक है, और फिर वो मरीज़ को आपने पिलाना है। ऐसे में आपका जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो बहुत ही अच्छे से उनका सिक्रीशन होने लगेगा, आपके डाइजेशन के साथ आपका एसिमिलेशन जो है वो भी अच्छा होने लगेगा। और इसके साथ साथ आप वीट के अलावा और जो ग्रीन्स हैं, बाजरे का प्रयोग कर सकते हैं, उससे आपका वैसे भी हीमोग्लोबिन का लेवल अच्छा रहेगा। एंड बाजरे के साथ आप फ्रूट्स में जो है अनार का स्पेशली प्रयोग कर सकते हैं, सभी तरह के ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, और बेल का मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बहुत इंपॉर्टेंट है वीट एलर्जी के पेशेंट में इसका प्रयोग करना। अब आ जाता है कि इम्यून सिस्टम, क्योंकि बेसिकली इसको ऑटो इम्यून डिजीज़ भी माना गया है, तो इम्यून सिस्टम को ठीक करना बहुत ज़रूरी है, जिसको गलती से ये गलतफहमी हो जाती है कि जो वीट है वो बैक्टीरिया है और वो बॉडी में एक हाइपर एक्टिव रिस्पॉन्स को जनरेट करता है, तो उसको ठीक करना, बैलेंस में लेकर आना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमें गिलोय का जूस जो है ये लेना चाहिए। इसमें जो गिलोय का जूस है, यूजली इसकी जो डोज होती है वो होती है 20 ml सुबह, 20 ml शाम को, विद इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर बिफोर मील, हाफ एन आवर, 20 मिनट्स टू हाफ एन आवर आप बिफोर मील ले सकते हैं, ठीक है। गिलोय जूस सुबह शाम लेना है इसमें, और एंटी एलर्जिक पाउडर हरिद्रा खंड आप दे सकते हैं अपने पेशेंट को 1 चम्मच गर्म दूध के साथ। एंड आप इसका जो प्रयोग है 4 से 5 महीने लगातार करवाएंगे, और उसके बाद आप 3 टाइम की मील में 1 टाइम जो है पेशेंट को कहेंगे कि वो वीट का प्रयोग करे, गेहूं की चपाती का प्रयोग करे, और 1 हफ्ते को उसका प्रयोग करता रहे, और अगर उसको कोई दिक्कत नहीं होती है तो अगले 3 से 4 महीने तक वो 1 टाइम एक मील में गेहूं का प्रयोग कर सकता है। एंड इसके साथ साथ हमें उसका रेगुलर बेसिस पर जो TTG लेवल है वो भी करवाना चाहिए। ऐसा ना हो कि पेशेंट को गेहूँ खाने में प्रॉब्लम नहीं आ रही, लेकिन उसका TTG लेवल बढ़ रहा हो। तो 1 टाइम मील
में वीट ऐड करना है, TTG लेवल करवाना है, और फिर उसके बाद आफ्टर 3 to 4 months 2 time meal में वीट ऐड करना है अगर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है और TTG लेवल विद इन लिमिट में है। एंड इसके बाद धीरे धीरे नेक्स्ट 6 months के बाद आप उसके 3 time meal में वीट ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से जब उसको वीट टॉलरेट होने लग जाए तब आपने गिलोय के जूस को छोड़कर दूसरा जो है वीट ग्रास जूस देना है उसको। होममेड भी बना सकते हैं जिसमें वीट ग्रास जूस और थोड़ा सा साथ में पुदीना एंड साथ में नींबू का रस मिक्स करके पेशेंट को 2 टाइम सुबह शाम 20 ml की मात्रा में पीने के लिए दे सकते हैं। इससे क्या होगा, उसका हीमोग्लोबिन बहुत जल्दी बढ़ेगा एंड नींबू से क्या होगा कि उसकी पाचन शक्ति बहुत अच्छे से बहुत जल्दी बढ़ेगी एंड इससे इम्यून सिस्टम भी उसका बहुत जल्दी बढ़ेगा। मार्केट में भी ऑलरेडी ये जो प्रिपेयर्ड जूसेस जो होते हैं ये आते हैं वीट ग्रास जूस, तो आप ये ले सकते हैं किसी अच्छी कंपनी की। और एंड आप पल्सेस का प्रयोग भी कर सकते हैं और फ्रूट जूसेस का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से जो वीट एलर्जी का मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आपको बताया है ये बहुत इफ़ेक्टिव है क्योंकि ये बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड है। मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स अपने पेशेंट में मिले हैं इसी ट्रीटमेंट से। तो आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।